समझ लेते हैं हम, पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या चीज? पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा लेंस क्या कर लेता है, जब उसे पास की चीज देखना होता है तो स्फेरिकल शेप में आ जाता है, और वहीं जब उसे दूर की चीज देखना होता है तो एक्सटेंडेड शेप में आ जाता है थोड़ा। तो ये क्या है कि हमारा लेंस खुद से दूर या पास की चीज देखने के लिए अपने आप को फिक्स कर पाता है, अपने आप को अकोमोडेट कर पाता है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, अपनी फोकल लेंथ वगैरह चेंज कर पाता है। तो देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट सेल्फ सच दैट इट कैन सी ऑब्जेक्ट विच आर नियर बाय एंड फार अवे इज कॉल्ड अकोमोडेशन। इट इज primarily involves the lens and ciliary muscles. The ciliary muscles are capable of modifying their position to see clearly the distant or near objects. Ciliary muscles आपकी help करती है lens को अपना shape change करने में। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई चीज far रखी हुई है, दूर रखी हुई है, तो ciliary muscles कैसे है? Extended shape में है। कैसा है? Extended shape में। वहीं अगर आप देखो कि ये चीज पास रखी है तो वहीं पे ये कैसा आ गया? स्फेरिकल शेप में आ गया है। तो अपने आप को ये चेंज कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। इसी चीज को बोलता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर रहेगी ये बात?